प्यारे बच्चों, रोज की तरह आज एक हम नया लेसन देख रहे हैं। लेसन 2 टेंथ क्लास का है और नाम जिसका क्या है, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या मतलब है, आपने भारत में सुना होगा कि वह संकल्प की शक्ति, मुट्ठी बांध के एक पोस्टर आता है, संकल्प की शक्ति, दृढ़ निश्चय की शक्ति, एकता की शक्ति, वैसे ही यहाँ पर डिटर्मिनेशन की शक्ति। मतलब डिटर्मिनेशन मतलब डिसाइड कर लेना, कोई डिसीजन ले लेना, निर्णय कर लेना, दृढ़ निश्चय की शक्ति। कोई भी आइडिया आपके माइंड में आए और आपने संकल्प कर लिया कि मुझे इस पर काम करना है, यही मेरा मंजिल है, यही आइडिया, तो वही उसमें अगर यदि आप किसी बात पे भरोसा कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो आपको एक पावर भी मिलती है। इसलिए इस पाठ का नाम भी क्या है, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। एक्चुअल में ये कोई सामान्य लेसन नहीं है, कोई पाठ ऐसा नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है एक व्यक्ति के जीवन की। वह व्यक्ति का जीवन जीरो से शुरू होता है और एक दुनिया में महान इंसान बनता है, पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, केवल किसके कारण, डिटर्मिनेशन के कारण। तो आइए समझते हैं ये दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय जो है, इसको हमें अपने जीवन में कैसे लाना है। जिस प्रकार इस व्यक्ति ने जीरो से हीरो बना, तो हम सब भी अभी जीरो हैं, हीरो कैसे बनना है, महापुरुष कैसे बनना है, दुनिया के लिए कुछ करना है तो क्या करना है और कैसे अच्छा बनना है, इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं। सच्ची कहानी है, तो आइए शुरू करते हैं। किसकी कहानी है, लास्ट में आपको पता चलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लेट्स स्टार्ट। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वाज हीटेड। एक लिटिल कंट्री स्कूल हाउस के बाद आगे लगा है दा, तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कोई विशेष स्थान है। तो द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस, एक्चुअल में आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो एक लिटिल कंट्री स्कूल हाउस के नाम से स्कूल्स भी हैं फॉरेन में, तो ये नाम हो गया द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस। वाज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशनड, वाज हीटेड। अब यहाँ वाज देखकर आप कहेंगे सर कि हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की है, इसके बाद जो वर्ब है उसमें आईएनजी आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उन्होंने पैसिव वॉइस बना दिया है। मैं पहले भी कहता हूँ, आप पाठ को पढ़िए अच्छे से, वहीं पर आपको ग्रामर देखने को मिलेगी। जैसे इस पाठ में पहले ही लाइन में आपको पैसिव वॉइस देखने को मिल गया, क्या मतलब है? जैसे मैंने बोला ठीक है, अब इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, माई मदर वॉज टोल्ड, माई मदर वॉज टोल्ड। अगर इसका हिंदी करने को आपसे कहा जाएगा तो आप करेंगे मेरी माता ने कहा, पर ऐसा नहीं, यहां पैसिव बन गया, माई मदर से पैसिव बनेगा तो आई टोल्ड, माई मदर वॉज टोल्ड बाय मी, ऐसा बन जाएगा। ऐसे यहां पर हुआ, एक स्कूल कंट्री का स्कूल हाउस जो था, स्कूल की बिल्डिंग जो थी, वॉज हीटेड, गरम की जाती थी। हीट से करना मतलब जलाना नहीं है, हीट से मतलब गरम करना, ठंड है तो बिल्कुल कमरे को हीटर जला के हीट कर दिया, इसी हीट वर्ब से क्या बना है, हीटर बना है, ठीक है। तो स्कूल कंट्री हाउस वाज हीटेड वाय, वाय मतलब द्वारा, किसके द्वारा, एन ओल्ड फैशनड, एक पुराने जमाने का, ओल्ड फैशनड पुराने जमाने का, क्या था पुराने जमाने का, पोर्ट वैलेड, ये सब एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं, ओल्ड फैशनड पुराने जमाने वाला, पोर्ट वैलेड, पोर्ट वैलेड मतलब होता है जिसका जो है ना पेट बाहर निकला हो, पेट बाहर निकला हो मतलब एक तरह से आप स्टोव देखेंगे पुराने जमाने का, बड़ा सा टंकी होती है उसमें हवा भरी जाती, तो वही है पेट बाहर निकला, तो पोर्ट वैलेज कोल स्टोव, कोल का स्टोव, कोल मतलब कोयला है ना, तो कोयले का स्टोव था पुराने जमाने का था, ठीक है। कई कई बार ऑयल वाला, मिट्टी के तेल वाला भी, मिट्टी की तेल को कैरोसिन बोलते हैं, यहां पर उन्होंने कोल लिखा है, तो कोल स्टोव मतलब कोयला का स्टोव था, ठीक है। अ लिटिल बॉय, इतना तो स्पष्ट हो गया कि ओल्ड फैशन पोर्ट वैलेट कोल स्टोव मतलब पुराने जमाने का लंबे पेट वाला कोयले के स्टोव से, बाय मतलब द्वारा, एस से हीट किया जाता था, किसको हीट किया जाता था, द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस, एक लिटिल कंट्री स्कूल हाउस मतलब ये नाम है, एक स्कूल की बिल्डिंग को गर्म किया जाता था। सर स्कूल की बिल्डिंग गर्म क्योंकि वहां ठंडा प्रदेश था बहुत, तो वहां बिना गर्म किए कमरे को बैठ नहीं सकते थे, इसलिए उसको गर्म किया जाता था। पर ये करता कौन था भाई, तो अ लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली, अ लिटिल बॉय, ठीक है, एक छोटा बच्चा हैड द जॉब, जिसके पास थी, हैड मतलब यहां पर पास, एक छोटे बच्चे के पास थी, हैड लिखा इसलिए पास थी कर दिया, हैव होता तो पास है, हैड द जॉब, जॉब थी, काहे की जॉब थी, किसकी जॉब थी, ऑफ कमिंग आने की जॉब थी, कहाँ आने की, स्कूल आने की, तो आप ऐसे लगाएंगे इसको, कमिंग टू स्कूल तो स्कूल आने की, ऑफ जॉब मतलब स्कूल आने की जॉब, कमिंग स्कूल, कमिंग, कमिंग टू स्कूल मतलब स्कूल आने की, क्या, टू ऑफ जॉब, तो जॉब,
उल्टा शुरू करेंगे तो अ लिटिल बॉय हैड द जॉब, एक छोटे बच्चे के पास जॉब थी, किस चीज की जॉब थी, तो ऑफ कमिंग आने की, कहां आने की, टू स्कूल, स्कूल आने की, अर्ली मतलब जल्दी, ईच डे मतलब प्रतिदिन, तो प्रतिदिन स्कूल आने की उसकी जॉब थी। और क्या करना था आगे, केवल आना था क्या, नहीं, अर्ली आ रहा है तो कुछ बात होगी, सभी बच्चों के साथ नहीं आ रहा था, वो अर्ली आ रहा था प्रत्येक दिन, तो क्यों आ रहा, टू स्टार्ट, स्टार्ट करने के लिए, क्या स्टार्ट करने के लिए, द फायर, अग्नि, आग स्टार्ट करने के लिए, स्कूल में आग स्टार्ट क्यों, यही लिखा ना सबसे पहले, हीट करने के लिए, तो फायर, एंड बर्न द रूम बिफोर हिज टीचर्स एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड। कितनी बढ़िया चीज है कि जिस बच्चे को उस स्कूल में पढ़ना है वही बच्चा पहले एक नौकर के जैसे पूरे स्कूल को गर्म कर रहा है, फिर उसी में वो सभी बच्चों के साथ पढ़ेगा। देखो कितनी मेहनत वाला, जन्म से मेहनत कर रहा था, तो अंत में देखो कितना बड़ा इसके साथ अच्छा होने वाला और कितना बड़ा फल मिलेगा इसको। तो स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम, तो स्टार्ट करता था वो फायर को और क्या करता, वार्म मतलब गर्म करता था, जैसे कहते हैं ना अपन लोग जब दौड़ने के लिए जाओ तो बोले वार्म अप कर लो या कोई खेल खेलो, तो वही थोड़ा गर्म कर लिया जाता अपनी बॉडी को, वैसे ही यहां पर इतना गर्म कि जिससे कंफर्टेबल फील हो, ऐसा वार्म नहीं करना कि चल जाए। तो स्टार्ट द फायर, फायर स्टार्ट करता था किसके लिए, बर्न द रूम, रूम को गर्म करने के लिए, बिफोर हिज टीचर, बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट अराइव्ड, अराइव्ड मतलब पहुंचे, पहुंचते थे, क्योंकि यहां हेड वाली बात है ना, उसके टीचर एंड क्लासमेट्स मतलब सहपाठी पहुंचे, बिफोर मतलब उसके पहले वो क्या करता था, बर्न द रूम, रूम को गर्म करता था, कैसे करता था, स्टार्ट द फायर, अग्नि जला करके। ये तो बात हो गई, उसकी जॉब ये थी। क्वेश्चन बन सकता है व्हाट वाज द जॉब ऑफ लिटिल बॉय, तो आप लिख सकते हैं द लिटिल बॉय, द जॉब ऑफ लिटिल बॉय वाज कमिंग स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर एंड बर्न द रूम। क्या जॉब थी, तो कमिंग स्कूल अर्ली या कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट फायर, ऐसे करके आप लिंक करके, किस लिए आता था, टू स्टार्ट फायर एंड वार्म द रूम, ऐसे करके आप आंसर बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है भी। अब ऐसा वो रोज करता था, क्या हुआ और फिर आगे सर, तो वन मॉर्निंग, एक सुबह, दे अराइव्ड, दे मतलब यहां पर दे मतलब हुआ है, वह मतलब टीचर एंड क्लासमेट, आप कैसे समझे सर दे मतलब हुआ है, क्योंकि इसके दे के पहले इन्हीं की बात हुई ना, टीचर और क्लासमेट्स की, और एक और व्यक्ति स्कूल हाउस में लिटिल बॉय की बात हुई, लिटिल बॉय एक है, और दे का प्रयोग किस लिए होता है, बहुत सारे लोगों के लिए, इसलिए यहां पर दे अराइव टू फाइंड, अराइव टू फाइंड द स्कूल हाउस एंगल, वो पहुंचे, कौन पहुंचे, टीचर और क्लासमेट, टू फाइंड और पाया, ढूंढा, क्या पाया उन्होंने, फाइंड मतलब ढूंढना भी कई जगह होता है, पर यहां पर पाया, द स्कूल हाउस एंगल, जो स्कूल हाउस था मतलब स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो क्या था, एंगल्ड इन फ्लेम्स, एंगल्ड मतलब पूरी तरह से, जैसे होता है ना मगरमच्छ किसी छोटे जानवर को खाए तो पूरा मुंह में निकल लेता है, तो एंगल्ड मतलब चारों तरफ से चपेट में ले लेना, तो ऐसी एंगल्ड इन फ्लेम्स मतलब लपटों में, एंगल्ड मतलब निगला हुआ था, निगला हुआ था इन फ्लेम्स मतलब आग की लपटों में निगला हुआ था, क्या निगला हुआ था, निगला हुआ मतलब चारों तरफ से घिरा होना, एक तरह से स्कूल की बिल्डिंग जो थी पूरी चारों तरफ से घिरी हुई थी लिप्टी में, लिप्टों में एंगल्फ थी मतलब लपटों ने निगल लिया था, है ना, तभी क्या हुआ, दे ड्रैग्ड मतलब वो क्लासमेट और टीचर, ड्रैग्ड मतलब खींचा, जैसे कंप्यूटर और माउस को अपन ड्रैग करते ना यहां से वहां, वैसे उन्होंने खींचा, क्या खींचा, द अनकॉन्सियस लिटिल बॉय, अनकॉन्सियस मतलब कॉन्सियस मतलब होश में, अनकॉन्सियस मतलब बेहोश, एक तरह से कुछ होश नहीं है, अनकॉन्सियस लिटिल बॉय, उसी छोटे बच्चे को जो अनकॉन्सियस हो गया था उसी को उन्होंने ड्रैग किया, खींचा, बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग, आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मतलब बाहर, जैसे कोई क्रिकेटर आउट हो जाता है तो कहते हैं ना आउट ऑफ पवेलियन, या उसने छक्का मारा तो बॉल को कहां पहुंचा दिया, आउट ऑफ पवेलियन, तो ऐसे ही आउट ऑफ फ्लेमिंग बिल्डिंग मतलब फ्लेमिंग बिल्डिंग के बाहर, मोर डेड देन अलाइव, जो कि बच्चा जिसको उन्होंने ड्रैग किया था वो क्या था, मोर डेड, ज्यादातर मर सा गया था, देन अलाइव जिंदा होने की अपेक्षा ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है, He had major wounds over the lower half of his body. He had major wounds. He had मतलब उसके थे major wounds, ज्यादातर जले हुए, over the lower half of पूरी body के lower half, नीचे के आदेश से देखना, over the पूरी lower half, पूरी
बॉडी जो है, क्योंकि बॉडी की बात जलेगी तो कौन जलेगा, बच्चे को खींचा है, तो ओवर द लोअर हाफ, नीचे का आधा ऑफ हिज बॉडी। अब स्पष्ट हो गया, बॉडी का आधा, कहां का आधा, लोअर मतलब नीचे वाला, पूरी बॉडी के, पूरी बॉडी के नीचे वाला हिस्सा क्या था, वह मेजर बर्न्स, ज्यादातर जल गया था, ठीक है। वाज टेकन टू नियर बाय कंट्री हॉस्पिटल, अब उसे ले जाया गया, कहां ले जाएगा, जब कोई जल जाता है, कोई बहुत ज्यादा जल गया पूरा, तो उसे कहां ले जाया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नियर बाय कंट्री हॉस्पिटल, उसे नियर बाय मतलब पास की कंट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया, और वहां पर जब वह गया तो क्या हुआ, आप बताइएगा। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्न, फ्रॉम हिज बेड, जब उसे बेड पर लिटा दिया गया तो हिज बेड द ड्रेडफुली, भयंकर रूप से बर्न मतलब जला हुआ, सेमी कॉन्सियस, अभी लिखा था क्या, अनकॉन्सियस, आप देखेंगे है ना, क्या लिखा था, अनकॉन्सियस, ये लिखा अनकॉन्सियस, ये ठीक है बेटे, अब लिखा है अनकॉन्सियस के बाद सेमी कॉन्सियस, जब वो बेड पे आया जो बेहोश हो गया था जलने के कारण से, अब डॉक्टर्स की थोड़ी हेल्प के कारण से वो कैसा हो गया, सेमी कॉन्सियस, मतलब पूरा होश में नहीं आया, अर्ध होश में आया, होश में है भी, थोड़ा है, जग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। तो फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्न, भयंकर रूप से जला हुआ, सेमी कॉन्सियस लिटिल बॉय, अर्ध बेहोश अवस्था में, द लिटिल बॉय मतलब आधा होश में, छोटा बच्चा, जो फैंटली हेयर्ड, फुसफुसाहट मतलब एक तरह से, फैंटली हेयर्ड मतलब अस्पष्ट रूप से, हेयर्ड मतलब सुना, क्या सुना, द डॉक्टर टॉकिंग, डॉक्टर बात कर रहा है किससे, टू हिज मदर, उसकी माता से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, वो सुन रहा है बच्चा हर चेतन अवस्था में, क्या सुन रहा है, द डॉक्टर, जो डॉक्टर उसने टोल्ड मतलब कहा, किससे कहा, हिज मदर मतलब माता से, क्या कहा, दैट हर सन वुड श्योरली डाई, डॉक्टर कह रहा है उसकी माता से, दैट कि हर सन मतलब तुम्हारा बेटा या उसका बेटा वुड श्योरली डाई, पक्का मर जाएगा, डॉक्टर ने बोल दिया, किससे, लड़के की, लिटिल बॉय की मदर से, और ये सुन कौन रहा है, सेमी कॉन्सियस लिटिल बॉय फेंटली हेड, स्पष्ट रूप से उसने सुना है ना, विच वॉज फॉर द वेस्ट रियली फॉर द टेरेबल फायर हैड डिवेस्टेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। अब डॉक्टर बोल रहा है, ये सुन रहा है, डॉक्टर ने ये बोला कि सन वुड श्योरली डाई, पक्का मर जाएगा, और क्या बोला, विच वॉज फॉर द बेस्ट, जो कुछ बेस्ट था, रियली जो कुछ बेस्ट था, मतलब डॉक्टर ने बोला जो कुछ बेस्ट था वो हमने किया, फॉर द टेरिबल फायर, जो भयंकर फायर मतलब आग थी, हैड डिवेस्टेड, डिवेस्टेड मतलब एक तरह से वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है, किसको, द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी के लोअर हाफ मतलब नीचे वाले आधे हिस्से को क्या कर दिया है, डिवेस्टेड मतलब पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ये डॉक्टर ने बोला है, और ये सुन कौन रहा है, सेमी कॉन्सियस लिटिल बॉय। अब जब भी उसने सुन लिया कि डॉक्टर ने मेरी मां से ऐसा बोला है, तो मां तो जो सोच रही है अलग बात है, बट डॉक्टर जो सोच रहा है अलग बात है, पर बच्चे ने जो सुना वो क्या सोच रहा है, बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, जो बच्चा था बेहोशी अवस्था में, डोंट वांट, नहीं चाहता था डाई मतलब मरना, ही मेड अप हिज माइंड, यही डिटर्मिनेशन है, ही मेड अप, उसने बनाया अपने, किसको बनाया, हिज माइंड, उसने अपने माइंड को बनाया, मनाया या बनाया, एक तरह से अपन कहते हैं ना मूड बनाना, वही है, मेड अप हिज माइंड, उसने मूड बनाया, क्या बनाया, दैट ही वुड सर्वाइव, वह जिएगा, मतलब वह मरेगा नहीं, वह जिएगा, उसने अपने मन में डिसाइड किया। जब आप किसी बुरी कंडीशन में फंस जाओ तो आपको लगता है आप तो हाथ जोड़ ले, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो होगा सो होगा, कहीं डरावना सीन देख लो तो आप बिल्कुल चिपक जाते हैं, सहम जाते हैं, पर इस बच्चे ने सहमा नहीं, डरा नहीं, और क्या सोचा, दैट ही वुड सर्वाइव, वह जिएगा समहाउ, मतलब कैसे भी हो वह जिएगा, टू द अमेजमेंट ऑफ फिजिशियन, आश्चर्यजनक हुआ टू फिजिशियन, मतलब जो फिजिशियन मतलब डॉक्टर, शरीर का डॉक्टर, जो डॉक्टर था, ही डिड सर्वाइव, आश्चर्य हुआ उसको, उसने बोला ही डिड सर्वाइव, वह जिया, डिड सर्वाइव, डिड एक सेकेंड फॉर्म है, तो वह जिया, एक तरह से उसने देखा कि यह तो जीता है। When the mortal danger was past, जो गत्यात्मक mortal भयंकर danger था वो past था, he again heard the doctor and his mother speaking quietly, अब उसने फिर से सुना, बालक ने, कि क्या सुना उसने,
द डॉक्टर, जो डॉक्टर एंड हिज मदर, उसकी माता स्पीकिंग, मतलब बोल रहे हैं, ठीक है ना। द डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए, इज स्पीकिंग, आप कंफ्यूज मत होइए, ऐसे ही लिखा जाता है कई बार। उसने सुना कि डॉक्टर और उसकी माता बोल रहे हैं क्वाइटली, मतलब बड़े ही धीरे से, क्वाइटली। द मदर वॉज टोल्ड, अब यहां पर समझ, यहां फिर से इन्होंने पैसे वाइज बना दिया, आपको यहां से पैसे सुनाना समझना है। द मदर वॉज टोल्ड, अब यहां पर आप सोचेंगे वाज है और टोल्ड थर्ड फॉर्म है, ये पैसे है, इसको ऐसे बनेगा डॉक्टर टेल हिज मदर, ठीक है ना, डॉक्टर टेल मदर। तो इसका आप पैसे बनाएंगे तो मदर को आगे रख देंगे, मदर एक्चुअल में डॉक्टर टोल्ड मदर बनेगा, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म आएगा। जब इसका आप पैसे वाइज बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो डॉक्टर जो सब्जेक्ट था वो अब लास्ट में जाएगा और क्या हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट मदर था, जैसे बना ना हमने लिखा डॉक्टर टोल्ड मदर, अब इसका आप पैसे वाइज बनाइए, तो डॉक्टर जो आगे था वो पीछे जाएगा और मदर जो पीछे थी वो आगे आएगी, तो मदर वाज टोल्ड। अब वाज क्यों आया, क्योंकि जो पास्ट सिंपल टेंस है उसका अगर पैसे बनाएंगे तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, तो मदर वाज और थर्ड फॉर्म आती पैसे में तो टोल्ड हो गया। तो माता से कहा गया, क्या कहा गया, दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड, जो फायर है डिस्ट्रॉयड मतलब उसने नष्ट कर दिया है, सो मच बहुत ज्यादा फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, जो मांस है उसने लोअर पार्ट निचले हिस्से का जो मांस है बॉडी के, ऑफ हिज बॉडी मतलब बच्चे के लोअर पार्ट मतलब नीचे के हिस्से का जो मांस है वो डिस्ट्रॉयड सो मच बहुत ज्यादा जल गया है। इट वुड हैव बीन बेटर, इट वुड हैव बीन बेटर मतलब ये अच्छा होगा इफ ही हैड डेड, यदि वह मर जाए या मर जाता है। डॉक्टर ने भी बोल दिया कि नीचे का सब पूरा मांस जल गया है, फ्लैश जल गया है, ये अच्छा होगा कि ही हैड डाइड, यदि वह मर जाता है तो। सिंस ही वाज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल, सिंस अब ही वाज डूम्ड टू बी अ, अब ये निश्चित हो गया है लाइफ टाइम मतलब पूरे जीवन के लिए क्या हो गया है कि क्रिपल विद नो यूज ऑफ एट ऑल हिज लोअर लिम्स, क्या मतलब बताया यहां पर डॉक्टर बोल रहा है कि ही वाज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल, अब वो जीवन भर के लिए जिंदगी भर के लिए अपाहिज होने के लिए मजबूर हो गया है। कैसे अपाहिज होगा, किस तरीके से, तो विद नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, नो यूज किसका, नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स मतलब लोअर लिम्स मतलब नीचे के अंगों का, लोअर लिम्स मतलब नीचे के अंगों का नो यूज एट ऑल, किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं कर पाएगा, वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। मतलब पहले डॉक्टर बोल रहे थे कि मर जाएगा, अब डॉक्टर बोल रहे हैं, बच्चे ने सोचा कि मरूंगा नहीं, तो डॉक्टर को लगा कि ये होश में आ गया, तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि अभी नीचे के हिस्सों का कभी उपयोग नहीं कर पाएगा, ये जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया है, ऐसा बोला। अब क्या हुआ, वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, जब उसने डॉक्टर की बात और मम्मी की बात से सुना कि तो मर जाएगा, तो फिर से डॉक्टर ने उसने वंस मोर एक बार फिर से द ब्रेव बॉय वीर बच्चे ने मेड अप हिज माइंड अपना मूड बनाया, ड्रेनेज चेक किया, क्या ड्रेनेज चेक किया उसने, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, वह अपाहिज नहीं बनेगा, ठीक है, ही वुड वॉक और वह चलेगा, अभी बोल दिया कि नीचे के अंगों का उपयोग मतलब पैरों का उपयोग नहीं करेगा तो चल नहीं पाएगा, वो समझ गया, तो उसने बोला कि वह अपाहिज नहीं बनेगा, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, ही वुड वॉक, वह चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली, बट दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली आपने फॉर्चून तेल सुना है ना, फॉर्चून ऑयल, उसी से याद कर लीजिए, बट अनफॉर्चुनेटली परंतु दुर्भाग्य से, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, वेस्ट मतलब कमर होती है, तो कमर से नीचे, वेस्ट डाउन, ही हैड नो मोटर एबिलिटी, कमर से नीचे नो मोटर एबिलिटी मतलब मोटर मतलब गति वाली, मोटर होती ना बस, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, मोटर एबिलिटी मतलब गत्यात्मक योग्यता, तो कमर के नीचे जो उसके पैर थे, घुटने थे, वहां पर नो मोटर एबिलिटी मतलब कोई गति नहीं थी। हिज थिन लेग्स, उसके जो पतले लेग थे, जस्ट डेंगल्ड देयर, केवल लटके हुए थे देयर मतलब वहां पर, ऑल वट लाइफ लेस थे, तो उसके पैर पूरे दोनों पैर थे, बट कैसे थे, वट लाइफ लेस, उन पैरों में जीवन नहीं था, ऐसे लकड़ी के जैसे लटके थे, वो उसका उपयोग नहीं कर सकता था।
ये डॉक्टर ने बोला कि वो जिंदगी भर के लिए पायस बन जाएगा, पर फिर भी उसने अपने माइंड को बनाया और अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल। और फिर धीरे धीरे समय के बाद ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, समय के साथ उसको हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया, मतलब हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी हो गई। अब आगे क्या होता है, वो बालक चल पाता है कि नहीं, अपने पैरों का लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का यूज कर पाता है कि नहीं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद।